आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये वाला गेम किस प्रकार से बनाते हैं। ये गेम है क्या, मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक बटन दी हुई है, उस बटन को जब भी आप प्रेस करेंगे आपकी डाइस रोल होगी और उस पर एक रैंडम नंबर आएगा। देखिए, जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, यहाँ मुझे 4 मिला और यहाँ पर लिख के भी आ रहा है आपको कि 4 आया। यहाँ पर फिर प्रेस करने पर 6 मिला, फिर 3 मिला। ये सारा रैंडम है। जैसे हम डाइस हम रोल करते हैं तो हमें नहीं मालूम रहता कौन सा नंबर आने वाला है, सेम यहाँ भी है। आप बटन प्रेस करेंगे तो कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा। इसको आप अपने लूडो के गेम में, सांप सीढ़ी के गेम में, कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये वाला गेम जो हमने अभी देखा, इसको बनाने के लिए आपको कुछ फाइल्स की जरूरत होगी, जिसका इस्तेमाल हम इस कोड में करेंगे। तो कौन कौन सी फाइल की जरूरत है आपको, आप देख लीजिए। पहले आपको डाइस की इमेज चाहिए होगी, जैसे ये है हमारी, ये हमारी डाइस 1 है। जब 1 आएगा तो ये वाली इमेज हमारी प्ले होगी, जब 2 आएगा तो ये होगी, 3 आएगा तो ये होगी, 4 आएगा तो ये वाली इमेज हमारी प्ले होगी, 5 आएगा तो ये वाली इमेज हमारी प्ले होगी, 6 आने पे ये वाली इमेज हमारी प्ले होगी। ओके, साथ में इसको जैसे ही हम गेम अपना स्टार्ट करते तो एक वेलकम स्क्रीन के लिए एक इमेज हमको चाहिए। तो ये हम वेलकम टू रोलर डाइस गेम, हमारी वेलकम डॉट जेपीजी इमेज रहेगी, ठीक है। और हम जब भी बटन प्रेस करें तो एक साउंड प्ले होना चाहिए। तो हमारी एक साउंड फाइल है, ये देखिए आप, sound.mp3। तो इसमें हमारा वो क्लिकिंग साउंड हम प्ले करेंगे। फिर हमारा ये पाइथन कोड आ जाता है। तो ये पाइथन कोड डिस्क्रिप्शन में, गिटहब में लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि किस लाइन का क्या मतलब है। ये इम्पोर्ट रैंडम, ये रैंडम मॉड्यूल क्या करेगा, रैंडम नंबर जनरेट करेगा, इसलिए हमने इसको इम्पोर्ट करवाया है। किंटर मॉड्यूल क्या करेगा, जीयूआई बनाने के काम आएगा, इसलिए हमने इसको भी इंपोर्ट करवाया है। फिर हम अपने जीयूआई में इमेज भी शो करवाना चाहते हैं, इसलिए हमने पीआईएल मॉड्यूल का इस्तेमाल किया है। फिर हम साउंड भी प्ले करना चाहते हैं, इसलिए हमने प्ले साउंड मॉड्यूल का भी इस्तेमाल किया है। फिर हमने विंडो क्रिएट किया और अपना टाइटल दिया है रोलर डाइस, और विंडो की ज्योमेट्री हमने सेट की 400x800 पिक्सल्स। उसके बाद देखिए, जैसे ही आप गेम ओपन करेंगे तो आपका वेलकम डॉट जेपीजी इमेज आपकी ओपन हो जाएगी। इसके बाद एक बटन आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उस बटन में लिखा रहेगा रोल डाइस शुरुआत में, और जैसे ही आप उस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके माई क्लिक नाम का फंक्शन रन होगा। माई क्लिक नाम का फंक्शन यहां पे डिफाइन है, ये देखिए, ये माई क्लिक नाम का फंक्शन यहां पे हमने डिफाइन करके रखा है। तो जैसे ही किसी ने प्रेस किया, बटन को क्लिक किया, तो सबसे पहले आपका एक क्लिकिंग साउंड आएगा वो इस लाइन की वजह से। फिर एक रैंडम नंबर जनरेट होगा 1 से 6 के बीच में, और वो स्टोर हो जाएगा डाइस नंबर नाम के वेरिएबल में। अब हम उस डाइस नंबर नाम के वेरिएबल को कंपेयर करेंगे, क्या उसमें 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया या 6 आया। तो अगर 1 आता है तो ये लाइन ऑफ कोड हमारे एग्जीक्यूट होंगे, अगर 2 आता है तो ये लाइन ऑफ कोड हमारे एग्जीक्यूट होंगे, 3 आता है तो ये लाइन ऑफ कोड हमारी एग्जीक्यूट होगी, 4 आता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, 5 आता है तो ये एग्जीक्यूट होगा, और 6 आता है तो ये एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 आता है, 1 आने पे क्या होगा, जैसे ही आपका 1 आएगा तो आपकी डाइस 1 इमेज खुल जाएगी, ठीक है। डाइस 1 इमेज खुलने के साथ साथ एक लेबल जनरेट होगा और उसमें लिख के आएगा यू गॉट 1, और आपके बटन का नाम आ जाएगा रोल अगेन। तो मैं ये आपको रन करके दिखा देता हूं। तो जैसे ही हमने रन किया तो ये हमारी वेलकम स्क्रीन आई। अब इस वेलकम स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है रोल डाइस। मैं इसको क्लिक करूंगा तो आपको एक साउंड सुनाई देगा, ये साउंड हमारे sound.mp3 फाइल की वजह से आया। तो देखिए, यहाँ पे हमारा अभी रैंडम नंबर 5 जनरेट हुआ था, इसलिए डाइस 5 वाली इमेज खुल के आई है, और यहाँ पे हमारा लेबल में लिख के आया है यू गॉट 5, और यहाँ पे हमारा बटन का नाम क्या हो चुका है, रोल अगेन। अब मैं इसको बार बार क्लिक करूंगा तो बार बार सेम प्रोसेस मेरी एग्जीक्यूट होती रहेगी, देखिएगा 6, 3, 5 ये रैंडमली जनरेट हो रहा है। तो ये जो डाइस प्रोग्राम था हमारा, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रैंडमली नंबर जनरेट हो रहा है। कभी आपकी डाइस घूम जाए या फन करना हो आपको दोस्तों के साथ, तो आप इस कोड को रन करके फन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे अहेड।